फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माहीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी। गाइज, यहाँ पर मैंने छोले बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल के मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। और दो तीन सीटी में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो मैंने छोले बॉयल कर लिए और अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है फिर से। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून और अब मैंने इसमें फाइन पेस्ट किया हुआ अनियन डाला, जिसे अच्छे से आपको रोस्ट करना है, फ्राई करना है। और इसे थोड़ा नॉर्मल सब्जी में जैसे हम फ्राई करते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको इसे फ्राई करना है। जितना अच्छा आप इसे फ्राई करेंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने खड़े गर्म मसाले थोड़े से ऐड किए हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, इतना मैंने इसमें ऐड करके इसे और अच्छे से भी फ्राई करेंगे हम काफ़ी देर तक। आप इस तरीके से बना के तो गाइस, इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसे डाल के भी इसे अच्छे से फ्राई करना है आपको बहुत अच्छे से। आप इसे जब तक इसका कलर एकदम ब्राउन ना आ जाए और ये अपना ऑयल ना छोड़ दे, बहुत अच्छा सा कलर आपको दिखने लगेगा, तब तक आपको इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है टमाटो प्यूरी जो मैंने बना के रखा था, अब मैं इसे ऐड करूँगी इसमें। तो टमाटो ऐड करने के तुरंत बाद आपको पता ही है इसमें नमक पड़ेगा, नमक डाल के इसे अच्छे से आपको फ्राई करना है। फिर ये जो मसाले मैं दिखा रही हूँ, ये मसाले आपको इसमें ऐड करने हैं। इसमें चना मसाला है, धनिया पाउडर है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड करी और इसे फिर अच्छे से आपको फ्राई करना है। और छोला रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप इसमें चाय की पत्ती का पानी अगर हाफ कप डाल दें तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है चाय की पत्ती का पानी, उसके बाद पकने के बाद आप इसका कलर देखिएगा, बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बॉयल करते टाइम नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ किया। और इसके बाद मैं मस्त इसे तड़का देने वाली हूँ हींग से, जिंजर से और चिली से। ये ना अगर आप इसे फ्राई कर लेंगे ना लास्ट में, तो इसके बहुत एनहांस कर देता है। और इसका कलर देखिए और टेस्ट, तो वह मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।